Nurturing excellence. Good evening, students. We welcome you all in our Abacus Academy. So today in our lecture series, we will study about estimation. But before estimation, we will first revise. देखो मैंने बहुत बार बता रखा आपको कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, मस्ट है. प्लीज प्रैक्टिस करो, मुझसे जो भी बुक मिलती है कोई भी पब्लिशर की, तो प्लीज प्रैक्टिस करो. ठीक है, राइट. ऑल थ्री डिजिट नंबर यूजिंग टू थ्री फोर टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस. डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 2 7 इन ओके 5 8 7 0 7 6 4. इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 1 2 3 4. इसकी क्या होगी? 7 होगी. डिफरेंस फाइंड करना है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द न्यूमरल 4 8 6 3 2 9 5 0. प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 6 1 2 3 4 5. बहुत बार बता रखा है प्लेस वैल्यू कैसे करनी होती है. ऑप्शन सी ओके. इसने बोला मीनिंगलेस कौन सा नहीं है मीनिंगलेस. तो कल भी क्वेश्चन आया था कौन सा नहीं है, तो है कौन सा? गलत, 5 है. तो 5 के अंदर माइनस नहीं होता, तो मीनिंगलेस ये हो गया. कौन से नहीं है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीनिंगफुल. कौन सा मीनिंगफुल नहीं है? ठीक है, आई सी नहीं है, बताता हूँ. क्योंकि आई के प्रॉपर्टी होती है सिर्फ वी से या एक्स से ही माइनस होता है और किसी से नहीं होता. ठीक है, राइट. नॉर्मल न्यूमरल इन हिंदो अरबिक न्यूमरल्स ओके. पहले सीडी का क्या होता है? 400. एक्सएल 40, 5 445 ओके. एल एल क्या होगा? 50. डबल एक्स 25 एंड 1 76. डबल सी 200. एक्सएल 40 10 टू 42. आप एकदम से क्या करना है, आपको तोड़ना है और आराम से कर सकते हो. पहले क्वेश्चन सी डी देखो मिल गया. सी डी क्या होता है? 400. क्या बताया था? जब भी छोटा नंबर लेफ्ट साइड में आएगा या फिर पहले आएगा क्या होगा? माइनस होगा. ठीक है, एक्सएल 40 आईएक्स 9 449. इन रोमन नंबर नॉर्मल न्यूमरल वी एल डी आर नेवर सब्ट्रैक्टेड. ट्रू. नो रोमन नंबर कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स. ऑप्शन बी. एस्टिमेशन. देखो एस्टिमेशन की हिंदी क्या होगी, मतलब मैं बताता हूँ. एस्टिमेशन की हिंदी होती है आप अंदाजा लगा रहे हो. ठीक है, अंदाजा. एस्टिमेट मतलब अंदाजा लगाओ कि. ठीक है, अब होता है नियरेस्ट 10. तो एक नंबर की केस होती है, आप सबको पता होगा. नंबर मान लो नंबर के 9 3 5 7 8. ठीक है, अब नंबर की प्लेस कौन सी? इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस. इसको बोलते हैं 10th प्लेस. इसको बोलते हैं 100th प्लेस. 1000th प्लेस. 10,000 प्लेस. अब इसने अब अगर बोला नियरेस्ट 10 पे एस्टिमेट करो, तो नियरेस्ट 10 कौन सा होगा? 7. अगर हमें 7 को एस्टिमेट करना है तो इससे जस्ट पहले एक को पहले वाले को देखना पड़ेगा. अगर इससे जस्ट पहला वाला 5 और मोर देन 5 हुआ, क्या 5 और मोर देन 5 हुआ तो क्या होगा? आप 10th प्लेस पे 1 ऐड कर दोगे. अभी ये बड़ा है, देखो एग्जांपल में देखना जो मैंने वाला बताया. क्या इसमें बड़ा है 8 बड़ा है 5 से? क्या करना है? नियरेस्ट 10 पे देखना है. पहले तो नियरेस्ट 10 पे देखा 7 है, नियरेस्ट 10 10th प्लेस कौन? 7. तो जस्ट एक पहला रो देखेंगे 7 से. पहला रो आप ये समझ लो 7 की पिछली वाली परफॉर्मेंस को देखेंगे. पिछली वाली परफॉर्मेंस से 8 है. अब 8 क्या 5 और मोर देन 5 है? 5 और मोर देन 5 है. अब ऐड कर दो. अब ऐड क्या करना है आपको? देखो अब 7 में 1 ऐड करना है और बाकी जो बचा चलो 0 लगा दो. 9 3 5
8, क्या किया, 7 में 1 प्लस कर दिया, और उसके बाद में जो भी जितने भी नंबर होंगे सब में 0 आ जाएगा, ठीक। 9 3 5 8 0, सपोज अगर 8 से छोटा होता क्या, होता क्या 9 3 5 7 एंड 4, करना क्या एस्टिमेट, 10th पे एस्टिमेट करना है, ये छोटा है तो सीधा 9 3 5 7 0, कुछ नहीं करना आपको, जो यूनिट प्लेस उसको 0 कर दो, कोई एडवर्ट नहीं करना बस, ठीक है। आपको रूल रूल भी पढ़ सकते, देखो क्या हो रहा है, राउंडिंग अ नंबर टू नियरेस्ट टेन, सी देन वन डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, वंस डिजिट, देखो 10th को करना था, वंस डिजिट को देखेंगे, इफ वन डिजिट इज लेस देन 5, अगर वो 5 से छोटा दिखा करना है 0 से रिप्लेस कर दो, लेकिन अगर वो 5 से बड़ा है, थर्ड रूल देखो, अगर वो 5 से बड़ा है तो 10th प्लेस में 1 ऐड कर दो, और बाकी 1 को, 1 प्लेस वाले को क्या करना है, 0 लगा दो वहां पे, ठीक है। अगर 100 पे करना है तो 10th डिजिट को देखेंगे, ठीक है। अगर 10th डिजिट क्या 5 से छोटा है, क्या 10th डिजिट 5 से छोटा है, तो 10th डिजिट और यूनिट डिजिट क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या 10th डिजिट 5 से बड़ा है तो 1 ऐड कर दो इसमें 100 में, और बाकी जो 10th डिजिट और यूनिट डिजिट है उनमें 0 0 लगा दो, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, सेम 1000 लगा दिया, क्या बोलूं, एस्टिमेट द सम टू नियरेस्ट 10, ठीक है। पहले ऐड कर लो 64 और 79 को, ठीक है, लो ऐड कर दिया, ठीक 143। अब 10th प्लेस कौन सी है, 4, अगर इसको एस्टिमेट करना है तो इसको देखेंगे, ठीक है। अब क्या ये 5 से छोटा है तो 140, कुछ ही भी नहीं ऐड, कुछ नहीं करना, सीधा 0 लगा, ठीक है। एस्टिमेट द सम टू नियरेस्ट 10, सम देखो पहले 267 132, 993, क्या हुआ 399, इसको देखेंगे क्या 5 से बड़ा है, ऐड करेंगे, देखो 9 में ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा, 10 बना तो यहाँ ऐड हो जाएगा, क्या जाएगा 400। एस्टिमेट द सम 274 143 टू नियरेस्ट 100, पहले सम निकाल लो, 274 एंड 143, 7 1 क्या हो गया 417। अब देखो 100 प्लस कौन सी, 4 वाले 100 प्लस कौन सी, 4 वाले, तो जस्ट इसको देखेंगे है क्या 417, 100 प्लस ये वाली देखेंगे इसको, इसको अब क्या 5 से छोटा है तो 0 0, ठीक। अब आपको ये वाला खुद ही करना है, ठीक है, फोर्थ एंड फोर्थ। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 10, ठीक है। 10th प्लेस कौन सी, 36, जस्ट इसको देखेंगे 5 से बड़ा है, देन 33 में 1 ऐड कर दो और बाकी 0, ठीक है। होता क्या, अगर 10th प्लेस पे एस्टिमेट करना है तो 10th प्लेस के बाद जो भी डिजिट होगी, चाहे ऐड करो चाहे सबट्रैक्ट करो, 10th प्लेस के बाद जो भी डिजिट होगी क्या, वो उसमें 0 आ जाएगा। सेम 100 पे करना है तो 100 के पास में कोई भी डिजिट होगी एस्टिमेट करने के बाद भी, दोनों में 0 0 आ जाएगा, ठीक। अभी देखो 173 है, 10th प्लेस कौन सी, 7 वाली, तो जस्ट पहला वाला क्या 3 छोटा है, 5 से 170, ठीक। एस्टिमेट होने पर देखो 10th प्लेस पर क्या 0 आ रहा है, देखो 3869, 10th प्लेस 16, उसे जस्ट पहले वाला क्या 9 बड़ा है, ऐड कर दो 3870, ये वाला आपको करना है, ऑप्शन डी आपको करना है, ओके। राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 100, ठीक है। 100th प्लेस कौन सी, 8, जस्ट पहले वाला 1 है, तो 5 से बड़ा होना चाहिए, ऐड करोगे तो 5 से बड़ा होना चाहिए, नहीं है तो 0 0 लगा दो। 100 प्लस कौन सी है, यहाँ पे 2, 5 है, 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 है तो ऐड कर दो, 100 प्लस में 1 ऐड कर दो तो 1300, ठीक है। 100 प्लस कौन सी, यहाँ पे 1, इससे पहले 5 से छोटा है, देन 43100, सेम 100 प्लस ही है लेकिन इससे पहले ना बड़ा है 5 से, तो 1 ऐड कर दो, 98200। 1 किसमें ऐड करना, देखो 100 प्लस में ऐड करना है, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 1000। अब देखो 793 है, इसमें 1000 प्लेस क्या होगी, 0 होगी, इससे जस्ट पहले क्या है बड़ा है 5 से, तो 1 ऐड कर दो इसमें 100, 1000 प्लेस, तो 1000 हो गया पहले आएगा। दूसरा वाला 1000 प्लेस क्या है, ये 4 है, जस्ट पहले क्या 8 है, ऐड कर दो 100, देखो 1000 प्लेस पे करना है ना, तो 1000 प्लेस के बाद जो भी नंबर आएगा क्या सब में 0 0 0, सेम 1000 प्लेस कौन सी, 6, जस्ट पहले वाला 7 है, मतलब 5 से बड़ा है, तो 1700, ओके। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट 10, 10000, सॉरी नियरेस्ट 10000, 10000 का हमें ये जस्ट पहला देखें क्या है, 5 से बड़ा है,
देन ओके इसको देखेंगे, 5 से बड़ा है, सॉरी यहाँ अगर पहला वाला क्वेश्चन देखो ये वाला, क्या 5 से बड़ा है तो क्या ऐड करोगे ना इसमें ऊपर, 1 में ऐड करोगे 1 2, इसमें देखो ऐड किया क्यों, क्योंकि 5 से बड़ा है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, 10,000 प्लस 3, 3 से जस्ट पहले क्या 4 है, तो बड़ा नहीं है तो क्या 3,000 भी गया, 30,000 भी गया, इसको देखो सॉरी 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10,000 पे क्या है 7 है, 7 से जस्ट पहला देखेंगे क्या है, छोटा है तो क्या कुछ नहीं हुआ, 2,70,000 एस्टिमेट इच ऑफ द फॉलोइंग सम टू नियरेस्ट टेन, ठीक है पहले सम निकाल लो, 1 मिनट 91, ठीक है अब ये क्या है नियरेस्ट टेन पे करना, तो इसको देखेंगे ये 1 क्या 5 से छोटा है तो 0 लग जाएगा ओनली, लेकिन अगर 5 से बड़ा होता क्या होता, अगर 5 से बड़ा होता तो तब क्या होता, 10th प्लेस में 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ये वाला देखते हैं, सम किया 1 एंड 121, अब यूनिट प्लेस कौन सी है ये वाली, करना है किसको राउंड ऑफ, इसको 10th प्लेस पे करना है, लेकिन देखेंगे इसको, इसको देखेंगे कि 5 से छोटा है 120, 14 एंड 69, 83, थर्ड का देखना 83, इसको देखेंगे 5 से छोटा है 80, फोर्थ वाला देखना सम किया हमने 105 आया, क्या 105 आया, ठीक है अब क्या है राउंड ऑफ करना 10th प्लेस को, इसको देखेंगे अब क्या 5 से बड़ा है तो 10th प्लेस को 1 ऐड कर दो और बाकी 0 लगा दो, ठीक है सेम 5th वाला कर लेते हैं, 95 एंड 58 का सम कर लो, मुझे 95 और 50 का पहले सम होता है 145, 145 एंड 8 153, अब 10th प्लेस पे क्या है 5, तो जस्ट इससे पहला वाला देखेंगे यूनिट वाला तो 150, ओके अब ये बाकी 4 आपको करना है, ठीक है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम टू नियरेस्ट 100 बोला है, ठीक है पहले सम कर लो इनका, सम करते पहले 236 एंड 689, सम क्या 925, क्या 925, अब 100 प्लस कौन सी ईयरली, जस्ट इससे पहले वाले देखो क्या 5 से छोटा है 900, अगले वाले करते हैं क्या है 458 प्लस 324, सम क्या कितना है 782, 100th प्लेस कौन सा ये वाला, जस्ट पहले वाला 5 से बड़ा है तो ऐड कर दो 100th प्लेस में 1,800, ठीक है नेक्स्ट करते हैं क्या 170 प्लस 392, इसका आ रहा है 565, 100th प्लेस कौन सा ये है, जस्ट पहले वाला 6 तो ऐड कर दो किसमें 100th प्लेस में ऐड कर दो 6,00, ये वाला कर लेते हैं फोर्थ वाला, 3,230, 3,280 प्लस 4,395, 7,6 ऐड किया कितना है 7,675, ठीक है 100th प्लेस पे कौन सी है 100th प्लेस वाली है, जस्ट पहला वाला देख लीजिए 5 से बड़ा है तो 100th प्लेस में वाला ऐड कर दो 7,700, और बाकी दो आपको करना, ठीक है एस्टिमेट ईच ऑफ द ईच सम टू द नियरेस्ट 1,000, ठीक है पहले सम फाइंड कर लो 3,28,36, क्या 3,28,36, 1,64,66, क्या 12,0,13, कितना हुआ 9,000 प्लस कौन सी है 1,10,100,000, 1,000 प्लेस क्या लिया, 100th प्लेस को देखेंगे 100th प्लेस क्या 4 से 5 से छोटा है 4,9,000, नेक्स्ट वाला करते हैं 4,6,703,11,375, सम क्या 8,7,0 5,8,0,7, 1,000 प्लेस कौन सी है 8 वाली, जस्ट पहले लो देखिए क्या 0,58,000, बाकी 3 आप कर सकते हो आप, ठीक है एस्टिमेट ईच ऑफ द डिफरेंस टू नियरेस्ट टेन, पहले डिफरेंस फाइंड करो इसका आगे कितना
करेंगे। अब देखो नियरेस्ट टेन वाला यूनिट प्लेस को देखेंगे, 5 ये 5 से बड़ा हो तो क्या वो करना है, ऐड करना है। किसमें 10th प्लेस होंगे, इसमें देखो डिफरेंस, इसका डिफरेंस 97 माइनस 38, 57 प्लस 2 59। इसको देखेंगे क्या बड़ा है, 5 से बड़ा है तो ऐड कर दो इसमें 10th प्लेस में, 409 माइनस 148, ठीक है, 61। नियरेस्ट टेन करना है इसको देखो, अब ये 5 से छोटा है तो 0 लगा दो, 260 हो जाएगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं, 584 एंड 1 माइनस 124, 0 6 460, ठीक है। 10th प्लेस पे देखो राउंड ऑफ करना, इसको देखिए तो आप देखोगे ऑलरेडी 0 है, 460 ऑलरेडी राउंड ऑफ है पहले से, 10th प्लेस, ठीक है। 844 माइनस 451 माइनस किया 3 0 403, तो इसको देखेंगे जस्ट 4 5 से छोटा है 400, ठीक। इसको देखो किया 0 4 740, 10th प्लेस कौन सी है, 4 जस्ट पहले वाला देखेंगे 0 आ गया, तो ऑलरेडी राउंड ऑफ है 740। एस्टिमेट ईच आर द डिफरेंस टू नियरेस्ट 100, पर इसका डिफरेंस फाइंड कर 678 माइनस 215, 3 6 463, 100th प्लेस कौन सी है, 4 है जस्ट पहला वाला, 5 से बड़ा है तो 500। अब इसका देखते हैं, 9 7, ठीक है, 100th प्लेस कौन सी है, 3 जस्ट पहला देखेंगे क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा है देन 400, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन सबट्रैक्ट करो, 7258 2429, 7 3 4 2 2 8, 4 8 2 7, 4 8 2 7, 100th प्लेस कौन सी है, 8 है जस्ट पहले वाला क्या है, 2 मतलब 5 से छोटा है एंड 4 8 डबल 0, ठीक है। यार क्वेश्चन फोर्थ वाला, 5612 माइनस 3095, 7 1 5 2 5 2 7 2 5 1 7 आया, 100th प्लेस कौन सी है, 5 जस्ट पहले वाला क्या है, 5 से छोटा है क्या, 2 5 डबल 0, ठीक। एस्टिमेट ईच ऑफ डिफरेंस टू नियरेस्ट 1000, डिफरेंस फाइंड करो, 3 5 8 6 3 2 7 8, ठीक देन 1 8 8 1 8 60। अब क्या नियरेस्ट 1000 पे करना है, तो 1000 में करना था, आप 100 प्लेस देखोगे मतलब जस्ट एक पहले प्लेस देखनी होती है। अब क्या ये 5 से छोटा है तो 0, या 4 7 005 005 -3 9 4 4 8, 7 1 5 7, ठीक क्या है, 7 5 1 7, 1000 प्लेस कौन सी है, 7 है लेकिन जस्ट पहले तो देखें क्या है, 5 या 5 से बड़ा होता क्या, तब 5 या 5 से बड़ा होता है तब क्या करोगे, 1 ऐड करोगे किसमें, जिसको एस्टिमेट कर दो, किसको कर रहे हैं, 7 को कर रहे हैं तो 1000 प्लेस को कर दो तो 1 ऐड कर दो, बाकी जगह 0। अब क्या बोले, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 42 इनटू 52 नियरेस्ट 10, पहले प्रोडक्ट फाइंड कर लो, 42 इनटू 15 का प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, क्या 42 इनटू 58 क्या होता है, 2 4 3 6, 2 4 3 6, ठीक है। अब क्या करना है, नियरेस्ट 10 पे एस्टिमेट करना है, नियरेस्ट 10 कौन सा, 3, तो इसको देखेंगे क्या 5 से बड़ा है, 2 4 4 0, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 34 एंड 75 टू नियरेस्ट 100,
क्या आते हैं 2 5 5 0। हंड्रेड प्लेस में है कौन सी, 5 है, तो जस्ट पहला रो देखेंगे, ये भी 5 है, 5 है 5 से बड़ा होकर क्या ऐड हो जाते हैं 2 6 0 0। देखो जिसको भी एस्टिमेट कर देना उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे क्या होंगे सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर है एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 367 इंटू 231, ठीक है, बाय राउंडिंग राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, पहले क्या करना था प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना था, अब क्या करना है, पहले क्या करना है एस्टिमेट द प्रोडक्ट करना है, ठीक है, लेकिन करना क्या है बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100, पहले इनको 100 पे करना है, पहले नंबर को करना है आपको, ठीक है। तो पहले अगर नंबर को करोगे 367 300 इंटू सॉरी 367 क्या होगा, इसको देखेंगे 5 से बड़ा है 400 इनटू आप क्या है 231 है, इसको देखेंगे क्या हो जाएगा 200, 8 ठीक है। करना क्या था एस्टिमेट करना था प्रोडक्ट को, पहले प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना था, ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करना था राउंड राउंड ऑफ करना था ईच नंबर को, दोनों नंबर को पहले राउंड ऑफ कर दिया हमने नियरेस्ट 100 पे, इसका आया क्या 400, इसका आया क्या 200, मल्टीप्लाई करके 80,000, ठीक है। एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 10, पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करने से पहले तो ये पुराना वाला क्वेश्चन, पहले नियरेस्ट 10 पे करना है इसको, इसको क्या ये 40 आया ये 60 आया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 24 हो, इसको क्या ये आया 50। देखो करना क्या है आपको एस्टिमेट करना प्रोडक्ट, लेकिन इससे बोलते हैं पहले ही आपको नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में, ठीक है, तो आपको पहले नंबर को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। पहले लोकेशन में क्या होता था, पहले दो में क्या होता था प्रोडक्ट निकालो फिर राउंड ऑफ करो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है आपको क्या करना है पहले नंबर को राउंड ऑफ करना है फिर प्रोडक्ट निकालना, ठीक है, क्योंकि 50 2500 ये देखो 30 मल्टीप्लाई 60 1500 एंड ये 40 इंटू 80, राउंड ऑफ मैंने बता दिया आपको कैसे करना है, देन 32 एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100, पहले राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 100 पे, इसको क्या करेंगे 400 इंटू, ये नियरेस्ट 100 100 प्लेस होती है यानी जस्ट इसको देखेंगे पहले आएगा 100 40,000 नेक्स्ट वाला देखो, ठीक है, क्या 264 264 पर राउंड ऑफ किया जाए 300 इनटू इसको देखो छोटा है 100, ठीक इसको देखो 400 423 को पहले राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 100 पे, तो क्या जाएगा 400, क्यों देखना इससे जस्ट पहले अगर क्या 2 5 से छोटा है तो 00 आ जाएगा इनटू इसको देखो 158 है, जस्ट इसको देखो क्या है बड़ा है 200 आ जाएगा 80,000, ओके, बाकी तीन आपका आपको खुद करना है। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द फर्स्ट नंबर अपवर्ड एंड द सेकंड नंबर डाउनवर्ड, करना क्या देखो पहले नंबर को अपवर्ड करना है, ठीक है, अब इसमें नंबर कितने हैं 3, तो एंड लास्ट प्लेस कौन सी मिलेगी 100 वाली, तो एंड प्लेस को राउंड ऑफ कर दो अपवर्ड पे किया तो क्या है इसको इसको देखोगे आप 200, इसको डाउनलोड करना है 100 का है, इसका अगर डाउनलोड करोगे क्या आएगा इनटू 200, बताता हूँ पहले को अपवर्ड करना है और दूसरे को डाउनलोड करना है, तो राउंड ऑफ तो करना है, अब ये तो सब रूल्स अलग जा रहा है, इसने बोल ही दिया कि दूसरे को आपको कम ही करना है, हर हर केस में क्या करना है कम ही करना है, तो 154 का क्या होगा राउंड ऑफ होता क्या 200 होता, ठीक है, अगर डाउनलोड करेंगे क्या जाएगा 100 हो जाएगा इसका, ठीक है, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इसका 20,000, सेम 267 इंटू 146, पहले 267 को अपवर्ड करना है 300, 146 को डाउनलोड करोगे तो 100, कौन सी प्लेस है 100 प्लेस है, तो बस इसको डाउनलोड लेके आएगा तो 100 हो जाएगा ये, और ये कौन सा 100 प्लेस है कि 267 है, इसको अपवर्ड लेके आएगा तो 300 हो जाएगा 30,000, अब देखो इसको अपवर्ड करना है 359 अपवर्ड करेंगे तो 400, अब इसमें प्लेस ही कितने 2 है,
इसको डाउनलोड करना है, तो आप किसको करोगे डाउनलोड? 76 है, इसका डाउनलोड होगा क्या? 70, ठीक, क्योंकि प्लेस ही तो है, तो आपको किसको करोगे? 10th प्लेस को डाउनलोड करोगे, ठीक है? तो इसका जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको अपलोड करो 500 इनटू, इसका हो जाएगा डाउनलोड करना 500। इसको देख लो 700 × 100, आपको हर केस में क्या डाउनलोड ही करना है दूसरे वाले का, ठीक है? इसलिए 70,000, ये क्या 255 × 350, पहले इसको देखो 300 × अब इसको, इसको तो अपलोड करना था, इसको डाउनलोड करना है, 350 तो 300 ही रहेगा, 90,000, ठीक है? ये मैं आज अपने हमने एस्टिमेशन कर लिया, अब कल हम अलग मिसलिनियस पार्ट करेंगे, ठीक है? नंबर सिस्टम का जो मिसलिनियस, जो अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं जो आ जाते हैं, तो कल हम वो करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं प्लीज ये बोलूंगा, प्लीज आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? प्लीज आप प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ा दूंगा, आप फिर प्रैक्टिस करोगे नहीं, पर बाद में क्या होगा, लास्ट में आप करोगे, लेकिन क्या होगा, ये सब पाइलअप हो जाएगा और फिर लास्ट में बर्डन लगेगा आपको, सही है? ठीक है,